सीएम ने कहा, सरकार के अभियान का हिस्सा बने शिक्षण संस्थान, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं को रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम बताते हैं कि हम अपने महापुरुषों को 50 वर्ष बाद भी स्मरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी संस्था दुनिया के अंदर अपनी नई पहचान तभी बना पाती है जब वह खुद को समाज सापेक्ष बनाती है। शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं को समाज के सापेक्ष बनकर रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान और योजनाओं का हिस्सा बनना चाहिए। इससे समाज में नई चेतना का उदय होगा। हमारे शिक्षण संस्थान समाज की चेतना का केंद्र हुआ करते थे, इस बात का साक्षी हमारा इतिहास है। मुख्यमंत्री शनिवार को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्थापना की 50वीं सालगिरह के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय समारोह के समापन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने महान दिग्विजयनाथ द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक न हों बल्कि व्यवहारिक हों, रचनात्मक और समाज केंद्रित हों, तभी वो अपनी असली जिम्मेदारी निभा सकेंगे। हम अपनी शिक्षण संस्थाओं को कैसे समाजोपयोगी बनाएं, इस पर हमें विचार करना होगा। मुख्यमंत्री ने दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के 125वीं जयंती और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के जन्मशती वर्ष को समारोह पूर्वक मनाए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बताते हैं कि हम अपने महापुरुषों को 50 वर्ष बाद भी स्मरण कर रहे हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड के सदस्यों को हमने कहा कि आप अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के साथ बैठकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए चर्चा करें और एक ठोस कार्ययोजना बनाकर शासन को दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस दिशा में हम एक नई सोच देने में सफल रहे हैं। ऐसा ही समन्वय शासन और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर महाराणा प्रताप, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्प अर्पित किया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत किया गया राष्ट्रगान के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्थापना की 50वीं सालगिरह के अवसर पर 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस दौरान सप्ताह भर से चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के चेयरमैन प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, IIT वाराणसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वी रामनाथन, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित महाविद्यालय के आचार एवं प्रचार सहित अन्य गणमान्य लोग और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराष्ट्री मुख्य अतिथि के रूप Thank you.
की अगर प्राचीन परंपरा को हम देखते हैं, इस परंपरा में हमने अपने पूरे जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया है। प्रथम दो आश्रम के बाद तीसरा आश्रम वानप्रस्थ का माना जाता है, यानी पहला आश्रम भारत की परंपरा में वह जब व्यक्ति समाज पर आश्रित होता है, दूसरा आश्रम वह जब वह स्वयं के लिए कुछ अर्जित करता है, लेकिन तीसरा वानप्रस्थ आश्रम का मतलब जब वह समाज को फिर समाज के ऋण से मुक्त होने के दिशा में अग्रसर होता है। और मुझे लगता है कि एक अवसर है माता पिता शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के लिए कि हम सब अपनी उन भूमिका को पहचाने जिसके लिए इस संस्था के संस्थापकों ने इस महाविद्यालय की स्थापना गोरखपुर महानगर में। हम सब जानते हैं कि 1935 में महाराष्ट्र शिक्षा परिषद की स्थापना प्रारंभिक महंत विजयनाथी महाराज ने की। उस समय था जब गोरखपीठ के पास भी साधन नहीं थे, लेकिन अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने और उनके अपमान से उन्हें उभारने के लिए उन्होंने एक छोटे से विद्यालय का बीजारोपण किया था महंत दिग्विजयनाथ जी ने। 1932 में वे गोरखपीठ के महंत भी नहीं बन पाए, लेकिन अपने शिक्षा गुरु के प्रति सम्मान का भाव उनके मन में था और भाव को ध्यान में रखकर के उन्होंने एक छोटी सी संस्था स्थापित की जो बाद में माणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में आगे बढ़ती भी गई। गोरखपीठ के पास इसलिए भी साधन नहीं थे क्योंकि मध्यकाल के और विदेशी आक्रांताओं ने कई बार गोरखपीठ को व्यापक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था, उसमें काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन जो सत्य है वह हमेशा सत्य ही रहता है, वही शास्त्रों को भी माना रहता है। आक्रांता समाप्त हो गए, आगे का कोई लेने देना और छोड़ने और उनको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन गोरखपीठ अपनी यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है। उस परंपरा के बाद जोड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। जहां स्वर्ण जयंती वर्ष का कार्यक्रम महाविद्यालय ने विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ यहां पर आयोजित किया, मुझे उद्घाटन कार्यक्रम में रहना था। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी उस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन हमारे देश के पूर्व वित्त और पूर्व रक्षा मंत्री माननीय अरुण जेटली जी के दिवंगत होने के फलस्वरूप उस कार्यक्रम में हम लोग को उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं आ पाए। और मुझे प्रसन्नता है कि समारोह सत्र में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह जी, आईआईटी पीएचयू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वी रामरतन जी भी इस कार्यक्रम में अपना सानिध्य आप सबको प्रदान किए।
शिक्षा जो मैंने आपको बताया कि मनुष्य के जीवन में भारत की प्राचीन पद्धति ने व्यवस्था दी कि पहले 25 वर्ष का समय हम समाज पे निर्भर रह करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, दूसरे 25 वर्ष का कार्यकाल एक गृहस्थ जीवन के रूप में हमारे लिए स्वयं के लिए कुछ अर्जित करने के लिए होता है, लेकिन तीसरे 25 वर्ष का कार्यकाल समाज को भी अपनी परंपरा के साथ साथ अपनी व्यवस्था को संचालित करने के साथ साथ समाज को भी देने का होता है, और जो व्यक्ति पे लागू होता है संस्थाएं उसके अपने आप को अलग नहीं कर सकती। हम अपनी शिक्षण संस्थाओं को कैसे समाज सापेक्ष बनाए, अक्सर होता है कि हम अपनी संस्थाओं को संचालन तो करते हैं लेकिन उनका संचालन का आधार सैद्धांतिक ज्यादा होता है, व्यवहारिक कम होता है, परंपरागत पाठ्यक्रम तक हम सीमित रह जाते हैं, उसका वो व्यवहारिक दर्शन जो समाज के साथ मिलकर के उस क्षेत्र की सामाजिक उस क्षेत्र की आर्थिक उस क्षेत्र की भौगोलिक उस क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थिति के अनुरूप हम संस्थाओं को कैसे उसके साथ जोड़े कि उनकी सक्रिय सहभागिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व देने की हो और समाज को नेतृत्व देने की इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसका महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कोई बन सकता है, हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं बन सकती है। जो पाठ्यक्रम आपका है ये बहुत व्यवहारिक है लेकिन इसको और भी व्यवहारिक बनाने की जिम्मेदारी उस संस्था से जुड़े हुए जो आचार्य गण हैं, उससे जुड़े हुए जो अभिभावक गण हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, इन सब के सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को अधिकाधिक समाज सापेक्ष बना करके उन रचनात्मक गतिविधियों के साथ अपने आप को जोड़े, और आज उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कोई भी संस्था दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान तभी बना सकता है जो जितना अधिक समाज सापेक्ष होगा। आखिर हम शासन की योजनाओं के साथ अपनी संस्थाओं को जोड़ने में प्रयास क्यों करते हैं? क्या स्वच्छ भारत मिशन केवल प्रधानमंत्री जी का या भारत सरकार का या केवल प्रदेश सरकार का ही मिशन है क्या? क्या समाज का इसके प्रति कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए? क्या हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को इस अभियान के साथ नहीं जुड़ना चाहिए? समाज के अंदर आम जन को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना चाहते हैं लेकिन हम उन शासन की उन नीतियों के बारे में उन कार्यक्रमों के बारे में कभी भी हम उन कार्यक्रमों के बारे में अपने छात्र छात्राओं को अवगत नहीं कराते या उनको उसके साथ जोड़ना नहीं चाहते, उसका परिणाम क्या होता है? जब आपके यहाँ से डिग्री लेकर के निकलता है तो डिग्री लेकर के निकलने के बाद असमंजस की स्थिति में रहता है, उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कौन सा उसका मार्ग होगा, हमें उस दौरान ही तय कर लेना चाहिए जब वह आपकी संस्था में अध्ययन कर रहा है, आपके संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसी समय उसको व्यवहारिक बातों के साथ भी अवगत कराएं और उसे समाज के अधिक से अधिक सापेक्ष बना करके उन रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु अगर अपनी संस्था को हम बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक व्यवहारिक दृष्टिकोण आपकी संस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मैंने उत्तर प्रदेश में इस बारे में अपने विभिन्न प्रकार के हमारे बोर्ड हैं, पूर्वांचल विकास बोर्ड, बुंदेलखंड विकास बोर्ड, हम लोगों ने गठित किया
देखा कि उन सब का दृष्टिकोण भी वही सीमित था। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या होना चाहिए, तो वे लोग भी वही बोलते थे खड़ंजा नाली। मैंने कहा खड़ंजा नाली बनाने के लिए क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर निकाय है, विधायक है, सांसद, आपका ये काम नहीं होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच तैयार करिए पूर्वांचल के विकास के बारे में, और आगे से याद रखना कि आपका केंद्र में तो लखनऊ नहीं होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा। आप गोरखपुर में जाइए, गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ बात करिए, आप वाराणसी में जाइए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के साथ बैठ करके वहां के विकास के बारे में रणनीति तय करिए। आप अयोध्या में जाइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के साथ बैठ करके पूर्वांचल के विकास के बारे में एक ठोस रणनीति तैयार करिए। पूर्वांचल के विकास की बात हम अगर पूर्वांचल में रह करके वहां से जुड़े हुए समाज जीवन के उन विभिन्न पक्षों के साथ बैठ करके उस प्रकार की रणनीति तैयार करेंगे तो हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे और अपने पद के साथ भी न्याय कर पाएंगे। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के साथ भी मैंने इसी बात को कहा। मैंने कहा मैं नाली खड़ंजे से तो प्रभावित, आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ बैठ करके बुंदेलखंड के विकास के बारे में अपना एक ठोस कार्य योजना क्यों नहीं तैयार कर सकते, और आपका केंद्र बिंदु लखनऊ क्यों होगा। आप जाइए बुंदेलखंड में बैठ करके वहीं चर्चा करिए, गांव-गांव में जाइए, वहां की समस्याओं को बना करके और उन समस्याओं के साथ बैठ करके उसके विशेषज्ञों के साथ कैसे हम वहां के समग्र विकास की एक ठोस रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उस दिशा में एक नई सोच पैदा करने में हम लोग एक नई दिशा देने में सफल होंगे। हमारी संस्थाओं, हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के स्तर पर भी इस प्रकार के शासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। आज हमें उस दिशा में अवश्य चिंतन करना होगा, एक नई परंपरा को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जब माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी या काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तभी देश गुलाम था, तभी देश के पास अपनी स्वतंत्रता नहीं थी, तब अपनी नीतियों को बनाने के लिए देश के बारे में हम डेवलपमेंट का कोई एक होलिस्टिक अप्रोच प्रस्तुत कर सके, इसके बारे में उस प्रकार की सोच देने के लिए तात्कालीन परिस्थितियां विपरीत थी। अनुकूल परिस्थितियों को और अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं, यह एक निर्णय भूमिका में हम सब लोगों को एक साथ आगे आना होगा। मुझे लगता है कि अपने संस्थापकों के प्रति ये हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है। और महंत दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय जब अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है, देख करके वास्तव में मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब महाविद्यालय के प्राचार्य मेरे पास इस बारे में आए कि हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष है। मैं स्वयं फूल गया था, मेरी स्मृतियां में नहीं थी, लेकिन मुझे उसी समय लगा, मैंने कभी ये केवल आपकी संस्था का ही स्वर्ण जयंती वर्ष नहीं है, इस संस्था को मौलिक रूप से लौकिक रूप से इस संस्था को आगे बढ़ाने और संस्था के साथ एक लंबे समय तक जिनका सानिध्य मिला, चार दशक से अधिक समय तक जिनका सानिध्य इस संस्था को निरंतर प्राप्त हुआ, ब्रह्मी महंत वैद्यनाथ जी महाराज उनका भी स्वर्ण जयंती, यह शताब्दी वर्ष है, जयंती का शताब्दी वर्ष उनका चल रहा है। और साथ साथ ब्रह्मी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जिनके नाम पर यह संस्था है उनकी जयंती के 125 वर्ष इस वर्ष में होने जा रहे हैं, तो क्या हम इन सबको मिलाकर के कुछ कार्यक्रम तय कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय न केवल अपने स्वर्ण जयंती वर्ष को अपितु इन दोनों महापुरुषों के इस कार्यक्रम को लेकर के इन्होंने साप्ताहिक
यहाँ पर अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही माणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए अनेक संस्थाओं ने भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला वर्ष भर के लिए तैयार की है। अपने संस्थापकों के प्रति यह हमारी एक कृतज्ञता होगी, उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी और कृतज्ञता ज्ञापित करना है भारत की सनातन परंपरा का हिस्सा भी है कि हम सब अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ उपकार किया है तो उस उपकार के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित किस रूप में करते हैं। महान दिग्विजयनाथ जी महाराज की आज पूर्ण तिथि के उनके 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, 50 यानी 50वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम भी उनके और उनके इस पुण्यतिथि की शताब्दी वर्ष, महाविद्यालय का शताब्दी वर्ष, उनकी जयंती के 125 वर्ष और ब्रह्मणि महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज की जयंती के भी 100 वर्ष पूरे होकर के जब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम 50 वर्ष के बाद भी उन महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रेरणा और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समाज जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर के जो आदर्श हम सब के सामने प्रस्तुत किए गए हैं उन सभी को ध्यान में रखकर के जो कार्य योजना माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने तय की है, विभिन्न संस्थाओं ने तय की है, उन्हें हम यथास समय पूरा कर सकें और फिर अपने संस्थापकों के उन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें तो उनका स्वयं का भी कल्याण होगा, संस्थाएं भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर डीपी सिंह जी को जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें आज के समापन कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर प्रदान किया। डॉक्टर बी रामनाथन जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईआईटी बीएचयू, उनका सहयोग और सानिध्य भी माणा प्रताप शिक्षा परिषद की कई संस्थाओं को पूर्व में मिला, आज पुनः प्राप्त हुआ है। अपने उन सभी अतिथियों को भी जिन्होंने इस पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके महाविद्यालय न केवल शिक्षण प्रशिक्षण का एक केंद्र बनेगा बल्कि एक रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी बनेगा। हम समाज सापेक्ष अपना दृष्टिकोण रख करके एक रचनात्मक दृष्टिकोण से अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः महाविद्यालय परिवार को इन पूरे आयोजनों को यहाँ पर आयोजित करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सब मिलकर के ब्रह्मणि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मणि महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज और उन महापुरुषों के उन मूल्यों आदर्शों को जो शिक्षा के क्षेत्र में समाज जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर के उन्होंने समय समय पर अपने आशीर्वचन से अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सब के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किए थे हम सब उसका अनुसरण कर सके, इस विश्वास के साथ मैं आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।